कुशीनगर जनपद में कुछ दिनों पूर्व हुए सनसनीखेज 1.5 करोड़ की लूट की घटना को लेकर पुलिस काफी हाथ पांव मार रही थी कि इसी बीच लूट कांड में फरार चल रहा 50,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से 1,64,000 नगद व 3,78,000 रुपए कीमत के सोने चांदी के गहने बरामद हुए हैं। पुलिस ने लूट में प्रयोग बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल के साथ ही प्रतिबंधित 9 mm की पिस्तल व 4 कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी शातिर है। आधा दर्जन अपराधों में लिप्त आरोपी कुशीनगर केश वैन लूट में भी शामिल था, जिस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। उक्त आरोपी पश्चिम बंगाल में बिल्डर की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास में सजा काटने के दौरान अपनी शादी के लिए पैरोल पर घर आने के बाद फरार हो गया था। इसके बाद बिहार में भी एक मोटरसाइकिल एजेंसी मालिक को लूटने के बाद गिरफ्तार हो गया था, लेकिन वहां से बेल होने के बाद कुशीनगर केस 1.5 करोड़ की लूट की घटना में शामिल होकर घटना को अंजाम दिया था। कुशीनगर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त जिसका नाम सतेंद्र यादव है, जिसको उर्फियत में पहलवान भी कहते हैं, थाना बिशंबरपुर गोपालगंज जनपद गोपालगंज और बिहार राज्य का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। ये जनपद में 10 दिसंबर 2018 को कैश वैन लूट की एक घटना हुई थी, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लूटी गई थी। उस अभियोग में वांछित चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी आज कुशीनगर पुलिस द्वारा, जिसमें स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, थाना कसिया और थाना हाटा पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तार अभियुक्त पर पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर रेंज द्वारा 50,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित था। ये 50,000 रुपये का इनामी अपराधी है और ये एक शातिर अपराधी है। इसके विरुद्ध एक लंबा आपराधिक इतिहास है। इसने वर्ष 2004 में हावड़ा में एक बिल्डर था जिसकी हत्या की थी और जिसमें इसको आजीवन कारावास की सजा भी हुई थी। पैरोल पर, एक वर्ष के पैरोल पर स्वयं के विवाह के नाम पर ये न्यायालय के आदेश से जेल से रिहा हुआ था और बाद में पैरोल जम कर गया। इसके बाद हुगली में वर्ष 2011 में इसके विरुद्ध एक धारा 395 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत, जिसे हम डकैती का अभियोग कहते हैं, पंजीकृत हुआ था। और वर्ष 2018 में भी इसने एक प्रतीक एजेंसी है जो कि मोटर व्हीकल्स को बेचने का कार्य करती है, 2018 में जनपद गोपालगंज में 18 लाख रुपए की कैश लूट की थी। ये एक शातिर अपराधी है जिसके विरुद्ध अन्य अभियोग भी पंजीकृत है। आज इस अभियुक्त की गिरफ्तारी करने पर इसके साथ लगभग 1,64,000 रुपये नगद और लगभग 2.5 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। ये इसने धनराशि गोपालगंज ले जाने की फिराक में था, जनपद गोरखपुर में कहीं पर इसने छिपा कर रखा था और ये धनराशि हस्तांतरित करने के प्रयास के समय ये थाना हाटा क्षेत्र में गिरफ्तार हुआ है। इसके पास से एक 9 mm की पिस्टल, जिस पर मेड इन इटली छपा हुआ है, प्रतिबंधित बोर का ये वेपन है, ये भी रिकवर हुआ है। इस प्रकार ये जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा एक बड़ी गिरफ्तारी की गई है, एक बड़े इनामी शातिर अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। लूट की घटना का अब तक कितने लोग गिरफ्तार हो गए और कितना रिकवर हुआ है? उल्लेखनीय है कि इस वर्ष में ही प्रारंभ में 2 जनवरी को इस घटना का अनावरण किया गया था और 57 लाख रुपए के लगभग रिकवरी की गई थी और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक सतीश जायसवाल, नागेंद्र गौड़ और एक राम भुवन, 3 अभियुक्तों को पूर्व में जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है।